अमेजिंग परफॉर्मेंस ऑफ गॉड्स। श्री कृष्ण कहते हैं वे असनित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्बंधो ही महाबाहो सुखम भंडात प्रमुच्यते। अर्थात जो व्यक्ति ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना ही कर्म फल की इच्छा रखता है वह व्यक्ति नित्य सन्यासी माना जाता है। हे माँ भवो अर्जुन, मनुष्य अपने सभी द्वंद्वों से रीत होकर वह बंधन को पार कर पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। जय श्री कृष्णा। तो आइए स्वागत करते हैं चार युगों की कहानी और देखते हैं डांस की जुबानी। गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तब तब पापियों का नाश करने के लिए भगवान विष्णु स्वयं प्रकट होते हैं। फिर चाहे वो त्रेता युग में श्री राम का जन्म हो या द्वापर युग में श्री कृष्ण का जन्म हो, हर युग में भगवान विष्णु अवतार लेते आए हैं और आगे लेते रहेंगे। तो चलिए अब सत्ययुग की ओर भगवान श्री विष्णु के गुणगान करने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। तू ही है माता तू ही पिता रे दाता भी तू है तू ही सतारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान श्री राम का जन्म हुआ। आज गली गली अवध सजाएंगे आज पग पग पलक बिछाएंगे आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे कुछ समझ न पाए कहाँ सात जन्मों के दुख कट जाएंगे आज सर झुके तट मुस्काएंगे मोर नाचेंगे पति है आज गाएंगे आज दस ये दिशाएं जैसे शगुन मनाए। देव के मैया के दुलारे हैं यशोदा मैया के लाडले वो कहलाते हैं। माखन चोर है उनका नाम जो गोपियों संग खूब रास रचाते हैं। तो आइए द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं। हाँ
सबका अंत एक एक करके सतयुग से द्वापर युग में हो गया और अब आ गया है कलयुग। तुम सब में उत्तम हो मानव, यही सोच निर्माण किया। स्वार्थ में अंधे हो तुमने क्यों वरदानों का अपमान किया। तो नहीं इंसानों दिखता हूँ मैं तो इन दुकानों में, मैं तो नहीं हूँ इंसानों में दिखता हूँ मैं तो इन दुकानों में। दुनिया बनाई मैंने हाथों से, मिट्टी से नहीं जज्बातों से। हिल रहा हूँ ढूंढता मेरे निशान, वरना ये सब प्रतिमाएं हैं, इनका अर्चन व्यर्थ है।